सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। आयुर्वेद समाधान में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मच्छरों को घर से दूर भगाने के ऐसे उपाय, जिनको आप सुनेंगे तो आराम से घर में भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल हमारा ये जो उपाय है इनको छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। दोस्तों आज मच्छरों से हर कोई परेशान है, इनको घर से दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। मार्केट से आने वाली गुड नाइट वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मार्केट से जो जहरीले मॉस्किटो कॉइल मिलते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं और नुकसान करते हैं। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपको कारगर साबित होंगे। सबसे पहला है लेवेंडर। मच्छरों को कमरे से दूर करने के लिए आप लेवेंडर का रूम फ्रेशनर छिड़कें। इसकी खुशबू बहुत तेज होती है, जिससे मच्छर दूर भाग जाते हैं और इसे सूंघकर वे काट नहीं पाते। अगला है नीम। हजारों गुणों की खान माने जाने वाले नीम में बहुत सारे फायदे होते हैं और एक फायदा होता है कि ये मच्छरों को घर से बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसके लिए नीम और नारियल के तेल को बराबर मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार कर लें और फिर इसे शरीर पर रगड़ें। इसका असर 8 घंटे तक रहता है। अगला है कपूर। कपूर के अनगिनत फायदों के बारे में तो कौन नहीं जानता। बस फिर मच्छरों को हटाने के लिए कमरे में कॉइल की जगह कपूर जलाएं और 15 से 20 मिनट के लिए रूम छोड़ दें। जब कमरे से बाहर जाएंगे तो मच्छरों का नामोनिशान नहीं मिलेगा। अगला है नींबू। नींबू के तेल और नीलगिरी के तेल को बराबर मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इसे शरीर पर लगाएं। इसकी महक से मच्छर आपके आसपास नहीं फटकेंगे। अगला है तुलसी। तुलसी के पौधे को कमरे की खिड़की या दरवाजे के पास रखने से मच्छर भाग जाते हैं। तुलसी मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोक देती है। अगला है लहसुन। लहसुन की महक से मच्छर आसपास नहीं फटकते। इसके लिए इसे पीसें और पानी में उबालकर कमरे में छिड़क दें। इससे कमरे में एक भी मच्छर नहीं दिखेगा। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोगों का निदान।